सर सर ठीक है सर। मांझी जी हमारे अभिभावक हैं और मिलना जुलना तो हम लोगों को लगा ही रहता है, एनडीए के सहयोगी दल हैं तो इस नाते राय विचार लेते रहते हैं। उनका एक बड़ा अनुभव है भारतीय राजनीति का, तो हम लोग अभी नए सिरे से राजनीति में आए तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं समझते हैं, तो उसके लिए मिलना जुलना हम लोगों का आपस में चल रहा है। यूपी उत्तर प्रदेश आपको पता है चुनाव है अगले साल, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग बिहार में मांझी जी हम लोग के साथ है, तो इसे उत्तर प्रदेश में भी मांझी जी के साथ हम लोग रहें, इधर मल्ला और इधर मांझी जी, और चुनाव चिन्हाव छाप हाँ ऐसा सब चीज़ हो रहा था। आने वाले समय में ये सब चीज़ देखने के लिए आपको मिलेगा। आलोचना हाँ। कर रहे हैं आजकल ब्राह्मण बात की, इसलिए मानते हैं खाते नहीं है दक्षिणा लेते हैं हाँ। तो उनको तो मैं अब सब अभी भी बोलूँगा नहीं ठीक है। तो इसी बीच में जो आप मान रहे हैं उनका अपना निजीगत सोच है और उस निजीगत सोच पे उन्होंने जो बोला होगा उस पे आपको जवाब भी देंगे। तो अभी सबका अपना अपना व्यक्तिगत सोच होता है, सब लोग अपने अपने अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग अलग अलग मानते, कोई राम को मानते कोई रहीम को मानते, हम लोग एक क्लब को मानने वाले लोग हैं, जुब्बा सैनी को फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, अभी कुछ लोगों को फूलन देवी पसंद नहीं है, तो ये सब तो संसार में चलते रहेगा ठीक है। तो अभी किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, अभी हमारे फेसबुक डीपी पे फूलन देवी जी का फोटो है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो बोलते आप जैसे नेता को नहीं रखना चाहिए फोटो, अभी मुझे पसंद है मैं रखा हूँ। तो बहुत सारे चीज़ें होता है, सिक्का का दो पहलू है, और मान लीजिए तो अच्छा है, नहीं मानिएगा तो फिर अच्छा नहीं है। एक अंतिम सवाल,